मुंबई समतानगर उत्तर विभाग साइबर सेल ने बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अपने इंजीनियर भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों के साथ लाखों का धोखाधड़ी करता था। ये लोग पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। उसके लिए उन लोगों ने बिहार में फर्जी कॉल सेंटर भी बना रखा था। साइबर पुलिस ने बिहार जाकर तीन में से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। उसके पास से अलग अलग कंपनी के साथ मोबाइल फोन, सिम कार्ड, अलग अलग बैंक की चेकबुक तथा पासबुक, 11 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड के अलावा कॉल सेंटर से 3,08,200 रुपए बरामद किए हैं, जबकि 3,00,000 बैंक में फ्रीज कर दिया है। समतानगर साइबर पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के मलाड पश्चिम चिंचोली बंदर में रहने वाले विनय किशोर नीली 29 वर्षीय सरकारी पेट्रोल पंप लगवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्च कर पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूटर .in.login नामक वेबसाइट जाने के बाद रोहित गुप्ता नामक शख्स ने वेबसाइट पर पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एक लिंक दिया। अप्लाई करने के बाद रोहित ने खुद उन्हें पासवर्ड और यूजर आईडी भी बनाकर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद मुंबई में नए HPCL पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने के अलावा इंश्योरेंस, GST आदि के नाम पर 11 मार्च से 14 मई तक शिकायतकर्ता से करीब 45,37,999 रुपए इन चीटरों ने ऐंठ लिया। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जसवाल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ कंप्लेनर आया था 14 मई को, उन्होंने बताया कि उन्होंने गूगल पर सर्च किया कि उनको पेट्रोल पंप लेने के लिए उन्होंने गूगल पर सर्च किया था, तो उस लाइन से उन्होंने एक रोहित गुप्ता नाम का कॉल किया था कि हम आपको HP गैस का डीलर और लाइसेंस का पूरा जानकारी देंगे और मिला के लाइसेंस मिला के देंगे, ऐसे करके उनको कॉल किया था और उन्हें अलग अलग फीस और रजिस्ट्रेशंस और GST के नाम से उनके पास से 45,30,099 का चीटिंग किया, ऐसे उनको मालूम पड़ा, तभी वो हमारे पास आया, उनका कंप्लेंट्स लिया। कंप्लेंट्स लेने के बाद जो बैंक अकाउंट में उन्होंने पैसे डाले थे उन बैंक अकाउंट को सर्च करके उनका लोकेशन निकाल के बिहार सीतपुर बिहार में जा हमारी टीम गई थी, वो टीम ने वहाँ